उत्तर भारत के कई भागों में लगातार हो रही भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। व्यापक वर्षा से विभिन्न राज्यों में जानमाल का भारी नुकसान, कई स्थानों पर हुआ जलभराव, असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें प्रभावित लोगों के लिए सुनिश्चित कर रही राहत कार्य। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले एक से दो दिन के दौरान भारी वर्षा की दी चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 जुलाई तक हल्की वर्षा जारी रहने की जताई संभावना। गुजरात के केवड़िया में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू। बैठक में G20 सदस्य देशों के 75 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल। व्यापार संबंधी बुनियादी ढांचे पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की 3 दिन की यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचे। दोनों देशों के बीच चौथे दशक के रक्षा सहयोग के रोडमैप पर हुई चर्चा। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक की संयुक्त रिपोर्ट की जारी। इस रिपोर्ट में जिला स्तर पर विद्यालय शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का किया गया है आकलन। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का इसी सप्ताह श्रीहरिकोटा से किया जाएगा प्रक्षेपण। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, इसके साथ ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को होने हैं चुनाव। इन राज्यों के ये 10 राज्यसभा सदस्य जुलाई और अगस्त में होने जा रहे हैं सेवानिवृत्त। भारत के लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब। फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने चीन के ली शी फेंग को 21-18, 22-20 से किया पराजित।